नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कितने कार्ड निकालने हैं? दो। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अब यहां पर क्या होगा कंडीशन? ये कंडीशन आ गई कि भैया जो कार्ड आप निकालोगे उसको रिप्लेस नहीं करोगे। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट जो टोटल कार्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी है टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52, राइट? आउट ऑफ दिस टोटल प्लेइंग कार्ड्स टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स जो कि आपके किसके होते हैं, क्लब के और स्पेड के, क्लब के कितने होते हैं 13 और स्पेड के कितने होते हैं 30, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, राइट? अब आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड वो ब्लैक होना चाहिए, क्या होना चाहिए ब्लैक, मैं बोल सकता हूँ 26/52 एज कार्ड इज नॉट रिप्लेस, क्या आपने उसको रिप्लेस किया है? नहीं किया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए 25/51, ये समझ में आ गया? तो कहने से दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 26/52 इंटू 25/51, समझ में आ गया भाई? पहले कार्ड ड्रॉ करने के बाद दोनों ही निकालने ना, एंड ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ऑप्शन होती तो क्या करता प्लस, क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो कंडीशन वाला पार्ट था वो हमने यहां अप्लाई कर दिया, समझ में आ गया? ठीक है, किस तरह से करोगे आप इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी वन बी द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एंड बी टू बी द इवेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। हमने इवेंट बी वन ले लिया कि पहला जो कार्ड है वो क्या होना चाहिए ब्लैक, और बी टू इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेकेंड ड्रॉन कार्ड है वो भी क्या होना चाहिए हमारा ब्लैक, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके 52, इसमें से ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बी वन ऑफ इवेंट बी वन की फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए ब्लैक, मैं बोल सकता हूँ 26/51 दैट इज 1/2 एज कार्ड इज नॉट रिप्लेस, क्या आपने कार्ड को रिप्लेस किया है? नहीं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टू दैट इज 25/51, 25/51 देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो दोनों का इंटरसेक्शन फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए और का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन बी टू, इट इज इक्वल टू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टू, इज इट क्लियर? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है आपका 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टू कितना है 25/51, तो 25/51 इंटू टू दैट इज 102, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर हो गया कैसे किया? ठीक है,